पिछले करीब 10 दिनों से यूपी का बहराइच जिला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यहां दो समुदायों के बीच हुई हिंसा, जिसमें एक शख्स की जान भी चली गई। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा इस बात का कि इतनी बड़ी घटना को रोका जा सकता था अगर पुलिस प्रशासन सही वक्त पर चौकन्ना हो गया होता और बात सुन ली होती। जी हाँ, बहराइच जिले के महसी तहसील क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा पुलिस अफसरों की लापरवाही का ही नतीजा है। महाराजगंज कस्बा जहां पर हिंसा हुई, वहां पर हरदी थाना लगता है। यहां के एसओ ने प्रतिमा विसर्जन के दो दिन पहले पुलिस के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर पीएसी व केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की मांग की थी, लेकिन पुलिस अफसरों ने एसओ की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसी का नतीजा रहा कि पूरे जिले में हिंसा फैल गई और एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि अब लापरवाही सामने आने पर शासन ने जहां पहले सीओ महसी को निलंबित किया था, वहीं सोमवार को एएसपी ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी को भी हटाते हुए डीजीपी कार्यालय से अटैच कर दिया गया। नए एएसपी दुर्गा शंकर तिवारी बनाए गए हैं। हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में बीते 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में भारी संख्या में लोगों के शामिल होने व इस दौरान माहौल खराब होने की आशंका पहले से जता दी गई थी। तत्कालीन हरदी एसओ रहे सुरेश कुमार वर्मा ने अपने उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर विसर्जन के दौरान सही तरीके से सारा काम निपटाने के लिए 1.5 सेक्शन पीएसी व पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस अफसरों ने एसओ के पत्र पर गौर नहीं किया और महाराजगंज विसर्जन जुलूस में पुलिस सुरक्षा की सही से तैनाती नहीं की गई। इसी का नतीजा रहा कि यहां हिंसा हुई और रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदाय आपस में भिड़े, इस स्थिति को संभालने के लिए जिले के एसपी, जिलाधिकारी समेत तमाम आला अफसर सड़कों पर उतरे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद खुद उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी हिंसाग्रस्त इलाके में पहुंचे और मोर्चा संभाला। इस घटना के बाद अभी तक पूरे जिले में माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण करने के लिए पुलिस व प्रशासन की कसरत जारी है, मगर हर कोई यही बात कह रहा है कि अगर सही समय पर एसओ के पत्र पर ध्यान दिया जाता और भारी पुलिस बल तैनात किया जाता तो हिंसा की नौबत ही नहीं आती। इस मामले में सीओ महसी निलंबित हो चुके हैं, वहीं चौकी प्रभारी व एसओ को निलंबित किया जा चुका है, तहसीलदार को भी हटाया जा चुका है, एएसपी भी हटाए गए हैं, लेकिन अभी भी हिंसा रोकने में नाकामी के साए में कई अफसर शामिल हैं। ऐसे में शासन स्तर पर इन अफसरों पर भी आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।